So I've given them an example of singing without microphone, and uske baad I also sang something Bollywood Ghana. So I think I felt very good vibrations, and the students also gave me good vibrations. So it's always a mutual feeling, and it has been a great pleasure to sing also with Kitty Vari, who is an awesome artist, and to be invited from one of the best director and very innovative and open-minded Subhash Gaiji. So thank you, Dhanyavad. जी बहुत मजा आया, बहुत बहुत मजा आया यार, बहुत ये अलग, ये इवेंट इवेंट नहीं बोलूँगा, ये अलग तरह का यू नो इनिशिएटिव है सर का, सेशन बोलूँगा सेशन, ये बहुत अच्छा सेशन था और यू नो बहुत कुछ शायद स्टूडेंट ने सीखा और मैंने बहुत कुछ सीखा, इंटरेक्शन बहुत अच्छा हुआ, मज़ा, म्यूज़िक हुआ, बातें हुई, मजाक हुआ, हंसी हुई और एटमॉस्फेयर कुल मिला के ओवरऑल बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया, हम सब ने बहुत मज़े किए। जब मेहमान कहते हैं कि मज़ा किया तो फिर तो बहुत मज़ा आया। इसी आज खासकर अंकित जी ने जो आज रौनक लगाई है। सर आप जी मत बोलो मुझे प्लीज़। मेहमान को हमेशा हम जी कहते हैं। अरे मैं सर जैसे बाहर निकलोगे अंकित छोटा भाई है मेरा और मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ। गुणीजन जो होते हैं उनको जी कहना अच्छा लगता है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ अंकित फॉर हिज टैलेंट ऑफ एज ए कंपोजर एंड ए सिंगर एंड ए थिंकर एंड ए टीचर। टुडे आई डिस्कवर्ड वन थिंग कि भाई अंकित खाली कंपोजर सिंगर नहीं है, टीचर भी अच्छे हैं। आज स्टूडेंट्स ने दो घंटे सेशन में जो सीखा है इनसे, ना उन्होंने कभी सीखा था ना वो कभी सीखेंगे, इन्होंने बताया है कि कंपोजर और सिंगर में क्या फ़र्क होता है, उन दोनों की क्या समानताएँ हैं और किस तरह से एक गाने के लिए सात कलाएँ और क्राफ्ट होते हैं जब मिल के एक गाना बनता है। इस तरह की जो खूबसूरत बातें इन्होंने की हैं वो मैं समझता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत लकी हैं विस्लिंग वुड्स के स्टूडेंट्स जिन्होंने ये एक्सपीरियंस नॉलेज शेयर किया अंकित जी के साथ। और फिर हमारी जियो गौंडा जी हैं, ये ओपेरा सिंगर हैं, इनका कॉम्बिनेशन जो आज मज़ा आया मुझे, जबकि आखिर में लास्ट में अंकित जी ने, अंकित जी के गाने पर उन्होंने जो अपनी क्रीम लगाई है ऊपर से, यू नो आइसक्रीम डाली है वो एक नया ही आइटम बन गया अपने आप में। वो ही वॉज ऑल्सो इन्जॉइंग एंड स्टूडेंट वॉज ऑल्सो इन्जॉइंग, लास्ट आइटम वॉज ब्यूटीफुल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रैंड फिनाले, बोल सकते हैं उसको ग्रैंड फिनाले जैसा था, तो काफ़ी बहुत मज़ा आया आज, बहुत मज़ा आया। एंड इस तरह के हमारे फिफ्थ वेदर के जितने भी कार्यक्रम हैं वो बच्चों की कलात्मक दृष्टि को बढ़ाने के लिए हैं, उनको उत्साह करने के लिए कि हर एवरी आर्टिस्ट हैज़ टू बी अ टेक्नीशियन एंड एवरी टेक्नीशियन हैज़ टू बी एन आर्टिस्ट, दिस इज अवर मोटिवेशन। फिफ्थ वेदर में मैं दोबारा फिर से आना चाहूँगा, सर ने मुझे अगर कभी मौका दिया, चांस दिया बुलाने का, और मैं विस्लिंग वुड स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे याद किया, सर ने मुझे याद किया और मुझे बुलाया। देखिए आज जो सेशन था वो तो 10% था, इसलिए इनको भी 10 बार आना पड़ेगा 100% देने के लिए। बहुत से राज हैं इनके पास, बहुत से ज्ञान हैं इनके पास, बहुत से गुण हैं इनके पास, हम हमेशा आपको बुलाएंगे सर, आप जरूर आइए हमारे। मैंने एक फिल्म अभी आई है अय्यारी, जो जो उसके अलावा कुछ फिल्म के नाम डिसाइडेड नहीं है, जैसे मोहित की फिल्म है बट उसका नाम अभी तक मुझे तो नहीं पता है, है और कुछ नॉन फिल्म है मेरे जो फिल्म जो पॉप म्यूज़िक कैटेगरी में आते हैं वो आई थिंक इस महीने में रिलीज़ होगा। एंड कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, आई एम सो सॉरी मैं शायद कुछ भूल ना जाऊँ। आप कोई टूर पे भी जा रहे हैं अभी? मैं टूर पे आई थिंक इस साल के आखिरी में कुछ प्लानिंग चल रही है। बजट मेरा भाई देखता है, मेरा बजट मेरा भाई देखता है तो ये गलत इंसान से सब, आप मुझसे म्यूजिक के बारे में बात कर लो तो वो मैं बता पाऊंगा। 14 फरवरी भी आ रहा है वैलेंटाइंस डे, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, कोई गाना या कुछ? उसके लिए मैं यही बोला एग्जैक्टली 14 फरवरी इज देयर एंड मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये प्यार वाले दिन, क्योंकि आई बिलीव इन लव एंड इश्क आशिक, जो भी नाम देना चाहे, तो आई विश कि कभी मेरा गाना 14 फरवरी को रिलीज हो,
बट वो डेट, हाँ ऑफकोर्स रोमांटिक होगा. अब वो कब होगा कैसे होगा, इस बार भी नहीं हो रहा है. अब वो कब होगा कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आई विश कि ऐसा कभी हो. मैं ज़रूर मतलब मैं कर पाऊँ, लेकिन क्या होता है कि फिल्म के गाना कब रिलीज़ हो रहा है वो हमारे हाथ में होता नहीं है. अभी मैंने गाने दिए हुए हैं, अब वो कब रिलीज़ होगा मुझे नहीं पता. And I think for an artist, every day is a Valentine's Day because we are always full of love, love for music and love for what we do. So actually, we don't have to wait for Valentine's Day. It's every day Valentine's Day. Thank you so much.